प्रदेश में चुनावी घमासान चरम पर है और सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं। कोई पार्टी पर आरोप लगा रहा है तो कोई पार्टी प्रत्याशी पर। ऐसा ही एक मामला उज्जैन में सामने आया जब कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक ने उज्जैन उत्तर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी और प्रदेश ऊर्जा मंत्री पर पद का दुरुपयोग करते हुए अपने परिवार के सदस्यों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रत्याशी समर्थक ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी ने अपने घोषणा पत्र में भी गलत जानकारी दी है। इस संबंध में वे चुनाव आयोग और लोकायुक्त सहित न्यायालय में भी शिकायत दर्ज कराएंगे। उज्जैन उत्तर विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी और वर्तमान में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पारस जैन के खिलाफ उत्तर के ही कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती के समर्थक अनिल गंगवाल ने आरोप लगाया है कि पारस जैन ने ऊर्जा मंत्री के पद का दुरुपयोग करते हुए अपने परिवार को करोड़ों रुपए का लाभ पहुंचाया। दरअसल इन्फिनिटी सोलर एनर्जी सॉल्यूशन नामक कंपनी ऊर्जा मंत्री के परिवार के सदस्यों के नाम है। मंत्री जी ने इस कंपनी से अपना कोई भी नाता होने से इनकार किया था, लेकिन 50 लाख की इस कंपनी में मंत्री जी ने 20 लाख स्वयं और 5 लाख अपनी पत्नी के नाम से इन्वेस्ट किए, जिसकी जानकारी चुनाव घोषणा पत्र में भी नहीं दी है। अनिल गंगवाल ने बताया कि इस संबंध में वे चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे और साथ ही लोकायुक्त सहित न्यायालय में भी मामला दर्ज कराएंगे। माननीय मंत्री जी ऊर्जा विकास मंत्री रहते हुए अपने परिजनों को अवैध तरीके से लाभ पहुंचाना पद के दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार करने का मामला है और उस संबंध में हमने शिकायत की थी। 2016 में मुद्दा उठा था जब मंत्री जी ने कहा था कि भाई एक इन्फिनिट सोलर एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके बारे में उस समय कहा था कि भाई ये मेरे बेटे बहू की कंपनी, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और उनको धंधा करने का अधिकार है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जब आज 2018 में आपने जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया है उसमें स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होता है कि वो कंपनी आपकी, अपने परिजनों की है और सोलर एनर्जी का 180 करोड़ रुपए का जो ठेका आपने उस कंपनी को दिलवाया है वो पद के दुरुपयोग का मामला बनता है। कैसे बनता है कि दो बार उसके टेंडर की तारीखें बढ़ाई गई, इस कंपनी को टीन नंबर नहीं मिला था, टीन नंबर मिलने तक उसके दो बार शुद्ध पत्र के माध्यम से टेंडर की तारीखें बढ़ाई गई, वो टेंडर इनको टीन नंबर मिलने के बाद समय बढ़ने के पश्चात वो जब इनको टीन नंबर मिल गया और इनको पहली बार से टीन नंबर मिलने के 15 दिन के अंदर इस कंपनी को ठेका दे दिया गया। अब कंपनी इनके बेटे बहू के नाम है, लेकिन अभी वर्तमान में जो मंत्री जी ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है उस शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से मंत्री जी ने अपनी संपत्ति के ब्यौरे में 20 लाख अपने और 5 लाख रुपए इनकी पत्नी के इन्फिनिट पावर सॉल्यूशन कंपनी में इन्वेस्टमेंट शो किया, इन्होंने इनका पैसा उस कंपनी में लगाया। दूसरा महत्वपूर्ण कि वो कंपनी 36 ढाबरी पीठा के नाम पर कंपनी रजिस्टर्ड है, जो इनका निवास है। 2013 के शपथ पत्र में इन्होंने निवास का पता वो लिखा है, ये शपथ पत्र से जाहिर हो जाएगा। तो जब आपके पते पर कंपनी रजिस्टर्ड है, आपके परिवार जन उसको कंपनी को चला रहे हैं और उस कंपनी में आपका 50 लाख की टोटल कंपनी, उसमें 25 लाख रुपए आपका लगा हुआ है, तो ऐसे में आप ये कैसे कह सकते हैं कि इस कंपनी से मेरा ताल्लुक नहीं है? ये निश्चित पद के दुरुपयोग का, भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है। हम इस संबंध में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिपोर्ट दर्ज करा चुके हैं, तत्कालात्मक पूरे दस्तावेज देख और वो कंपनी का पोर्टफोलियो खोल के देखिए, वो कंपनी अपने आप को मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को, ऊर्जा मंत्रालय को, पुलिस मंत्री इनको अपना व्यापारी बताती है। तो कंपनी जिस डिपार्टमेंट के आप मंत्री हैं, उस मंत्रालय के मंत्री हो के आपके परिजन उस कंपनी से व्यापार, धारा आर्टिकल 9A होती है उसके अंदर स्पष्ट लिखा है कि व्यक्ति तो दूर, उससे जुड़े लोग भी अगर धंधा करते हैं तो इलेक्शन वगैरह इस टाइप के उसमें भाग नहीं ले सकते हैं। इन सब चीजों का अंदाज करके झूठ के आधार पर इन्होंने 180 करोड़ और 180 करोड़ के अलावा भी अन्य कई जगह भी उसके ठेके हुए, वो सारे ठेके इसकी गहन जांच की जरूरत है। हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिपोर्ट दर्ज की है, लोकायुक्त में भी चुकिया संडे है, हमने ईमेल से कोशिश कर रहे हैं प्राथमिकी दर्ज हो जाए। हम न्यायालय में भी इस विषय को लेकर कल जाने वाले हैं, न्यायालय में भी हम ये मुकदमा दर्ज कराएंगे और आप देखिएगा निश्चित पद के दुरुपयोग का मामला और भ्रष्टाचार का मामला साबित होगा और मंत्री जी जेल जाएंगे। हालांकि जब अनिल गंगवाल से पूछा गया कि चुनावी मौसम में ये शिकायत एक विधानसभा प्रत्याशी की छवि को धूमिल करने का प्रयास है, तो उन्होंने कहा कि तथ्यात्मक है, छवि धूमिल करने का कोई प्रयास नहीं। उन्होंने पहले कह दिया था कि परिवार के लोगों को धंधा करने का अधिकार है, कोई ने ध्यान नहीं दिया इस पर। जब उनके शपथ पत्र का गहराई से अध्ययन किया गया और शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से इन्फिनिट सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में आपका 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, आप खुद अपने शपथ पत्र लिख रहे हैं, मैं थोड़ी लिख रहा हूँ, पता उसका 36 ढाबरी पीठा लिख रहे हैं, आपका मकान है सारा शहर जानता है, कहीं भी
अनर्गल आरोप नहीं है। चुनाव का समय चूंकि शपथ पत्र अभी आया है, तो शपथ पत्र का अध्ययन करने के बाद जब ये चीज सामने आई तो 2-4 दिन का हमें समय भी लगा। सब चीज आरटीआई से हमने कापियां निकलाई और उसके बाद हमने इस शिकायत को आज जाके तैयार हुई। तो आज शिकायत दर्ज की, चुनाव का लाभ वाला कोई मैटर नहीं, ये चुनाव जीते आ रहे वो सब अलग चीज है, इसमें इनपे आरोप साबित होंगे और रिजल्ट जाएंगे। उज्जैन से अरविंद देवधरे के साथ शकील खान की रिपोर्ट।